नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीड 790। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं फर्सी रेड सिरप के बारे में कि अगर आप फर्सी रेड सिरप का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या रिस्पांस मिलेगा, कैसे इसका प्रयोग करना है, कौन कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं फर्सी रेड सिरप का किस केस में उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है और आप उठ के खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, तो वहाँ पे अगर आप फर्सी रेड सिरप का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों इसका जो प्रयोग करना है आपको वो दो समय करना है, सुबह में शाम में, और इसका जो प्रयोग करना है आपको 10 ml सुबह 10 ml शाम को प्रयोग करना है अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है। बाकी अगर आपकी एज जो है वो 10 साल से लेकर 18 साल के बीच में है तो वहाँ पे आपको 7 ml सुबह 7 ml शाम को प्रयोग करना है दोनों टाइम खाना खाने के बाद में। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, आपके अंदर खून की कमी हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो वहाँ पे अगर आप फर्सी रेड सिरप का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके अंदर आयरन पड़ा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है अगर आपके अंदर जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो गई है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला है वो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है इसका काम क्या है कि ये आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो जाती है या फिर आपको जो कमजोरी महसूस होती है, आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, उसको मेंटेन करता है और आपके बॉडी के अंदर खून की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा इसमें फार्मूला डाला गया जो कि फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड का क्या वर्क है कि ये अगर आपके पेट के अंदर हल्के फुल्के गैस रहती है तो उसको दूर कर देती है, और अगर आपको भूख नहीं लग रहा है, भूख की समस्या है, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है फॉलिक एसिड। उसके बाद में विटामिन B12 डाला गया है जो कि आपके जो रक्त संचार में रुकावट हो रही है उसको मेंटेन करता है, यानी आपके नसों में अगर ऐठन हो रहा है और आपके पैरों में ऐठन हो रहा है, हाथों में ऐठन हो रहा है, गर्दन में ऐठन हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलता है इसका। तो अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप इसका प्रयोग करिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। कई लोगों ने फर्सी रेड सिरप का प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि इसके प्रयोग से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो हमने जितने आपको जो बीमारियाँ बताई हैं इसमें से अगर आपको कोई भी बीमारी हो तो वहाँ पर अगर आप फर्सी रेड सिरप का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 120 रुपये, 120 रुपये में इसे आप किसी मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। जो इसे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है अल्केम लेबोरेटरीज इसमें मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है। दोस्तों इसका पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं पूरा रेड रेड कलर का है, और ये मिलता है आपको 225 ml में। 225 ml में का सिरप जो है आपको मिलेगा 120 रुपये में। तो इसे आप किसी मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दिखाते हैं इसके जो ओवरव्यू कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में कुछ इस तरीके से है, इधर भी कुछ इस तरीके से है, इसके फार्मूले और सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, इधर भी इसका फर्सी रेड लिखा गया है, और इधर इसके जो है कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे MRP एक्सपायरी डेट सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये तो हो गए बॉक्स की बात, दिखाते हैं इसका जो बॉटल कैसे दिखता है उसको भी आप देख लीजिए एक बार। इसका पैकिंग दोस्तों हमें काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये भी रेड कलर का है और ये पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। जो अदर सिरप होते हैं आप देख सकते हैं इसको, जो अदर सिरप होते हैं वो थोड़ा कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो पीने में नहीं अच्छे लगते हैं लेकिन ये मीठा लगता है, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसे कुछ सिरप जो अच्छा नहीं लगता है पीने में, तो उनको डकारें आती रहती हैं या फिर कुछ उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, वो ठीक से पी नहीं पाते हैं या फिर ठीक से उनको हजम नहीं होता है, लेकिन फर्सी रेड के साथ में ऐसा नहीं है। इसके जो प्रयोग से रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, पीने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो गर्भवती महिलाएँ हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, या जो पुरुष हैं वो भी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, उनको 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाना खाने के बाद में प्रयोग करना है, और जिनकी उम्र जो है वो लगभग 18 से लेकर 10 साल के बीच में है वो लोग 7 ml से सुबह 7 ml शाम को प्रयोग करें। दोस्तों बात कर लेते हैं कितने दिनों तक प्रयोग करना चाहिए। तो इसका प्रयोग आप 1.5 से लेकर 2 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं, और इतने ही दिनों में आपकी जो कमजोरी थी वो दूर हो जाएगी, आपको भूख काफ़ी अच्छी लगेगी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा उसमें, यानी आपको खाना ठीक से हजम होगा, और
आपकी बॉडी जो है वो भी बनने लगेगी और आपके अंदर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी अगर आप 1.5 से लेकर 2 महीने तक फर्सी रेड सिरप का प्रयोग कर लेते हैं तो। और अगर आपकी हेमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई तो वहाँ पर भी अगर आप फर्सी रेड सिरप का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे सिरप्स जो अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि दावा करते हैं कि इसके प्रयोग से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और रिस्पॉन्स मिलता भी है, लेकिन उनका सबका जो प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन ये आपको 125 रुपये में 225 ml मिलता है, तो इसको आप सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से उपलब्ध मिल भी जाएगा आपको, तो आप इसको परचेज कर लीजिए, इसका प्रयोग करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्सी रेड सिरप के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर कोई जानकारी छूट गई हो जो हमने आपको ना दी हो तो आप कमेंट करके हम पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।